मित्रों, हम सबको बोलना नहीं चाहिए कि अतीत से भटका हुआ व्यक्ति तीर्थंकरों की तरह होता है। हम अपने अतीत को जोड़ने के लिए अयोध्या में आए हैं और कोरिया का यह प्रतिनिधिमंडल भी अपने उस अतीत के साथ जुड़ने के लिए अयोध्या आया है और इस दिन से अयोध्या की पहचान अयोध्या के रूप में ही रहे। कोरिया इस बात का गवाह है, दुनिया के तमाम देशों का प्रतिनिधिमंडल भी यहां पर आया है और इसलिए सबसे पहली बात मैं इस प्रतिनिधिमंडल का स्वागत करता हूं, आपको दीपावली की शुभकामनाएं देता हूं और मैं आप सबको इस बात के लिए कहना चाहता हूं कि आज से इस जनपद का नाम भी अब अयोध्या के नाम से जनपद जाना जाएगा। अयोध्या हमारी आन मान और शान की प्रतीक है। यह हमारे आन मान और शान की प्रतीक है और मुझे लगता है अयोध्या की पहचान मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम से है।